Not a problem. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, मैं अमलेश सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। आइए दोस्तों, हम लोग अपने SYJC कॉमर्स चैप्टर 1 अकाउंटेंसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल की मैंने ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड कर दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर चेक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमें हौसला मिलेगा, हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए तो बिना देरी किए मैं आपको इस चैप्टर के 7वें, देखिए पार्ट 7 में हमें क्या क्या सीखना है और कहां तक सीखना है, कैसे सीखना है, सब मैं बता देता हूं आपको। वीडियो के इस हिस्से में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं टीम कि आज हम लोग नेक्स्ट टर्म शुरुआत करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल, चौथा सम आपके लिए शुरुआत कर रहा हूं मैं। देखिए ये चौथे सम में आपके लिए क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको मिस्टर पीयूष और मिस्टर अरुण का, आपको रिक्वायर करना है प्रिपेयर, आपको बोल रहा है प्रिपेयर करो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। फाइनली ये बोल रहा है कि आपको करना क्या है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब इन सब चीज़ों को देखिए मैंने बताया, जैसे कि ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, इसके डेबिट साइड की वैल्यू है, ये इसके क्रेडिट साइड की वैल्यू है। नियम और कानून के हिसाब से जैसे कि डेबिट साइड में जितनी भी वैल्यूज दी हुई है, ये सारी की सारी डेबिट साइड की वैल्यूज आपकी फाइनली आएगी ट्रेडिंग के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट या फिर एसेट में। क्रेडिट साइड की सारी वैल्यूज आपकी ट्रेडिंग के क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट और लायबिलिटी, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में हो या P&L के डेबिट में या एसेट में या लायबिलिटी में, इस सारी जगहों में से सिर्फ एक ही बार इफेक्ट आएगा इसका। चलिए ओपनिंग स्टॉक इसको बोलते हैं, जो कि हमेशा हमारा आता है ट्रेडिंग के डेबिट में। ऑलराइट, परचेज सैलरीज, देखिए परचेज सैलरीज दोनों चीज़ बता, परचेज की बात है, चुपचाप यहाँ पे ट्रेडिंग का डेबिट लिखेंगे आप, ट्रेडिंग के डेबिट में आपका आ जाएगा ये। आगे चलेंगे सैलरीज, सैलरी देखिए जब कभी भी सैलरी बोलेगा तो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस की बात करेंगे तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, इट ऑलवेज कम्स इन ट्रेडिंग का डेबिट। कैरेज, सिर्फ कैरेज आ गया तो इसको आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैरेज आ गया तो आप इसको ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देते हैं। रॉयल्टीज़ अगर रॉयल्टीज़ आ जाता है तो रॉयल्टीज़ को भी आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में। फ्रेट, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सन्डरी डेटर्स एसेट है भाई आपका, फर्नीचर एसेट है भाई आपका, लीजल प्रॉपर्टी एसेट है आपकी खुशी की बात है, इन्वेस्टमेंट भी आपका एसेट है खुशी की बात है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स, ये देखिए ये जो है ये हिडन एडजस्टमेंट है, 3 साल का एडवर्टाइजमेंट। अब हम लोग फाइनल अकाउंट में एक ही साल का एडजस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, एक ही साल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसने 3 साल का दे दिया है, मतलब 30,000 अगर 3 साल का होता है तो 1 साल का कितना होगा, डिवाइड डिफॉल्ट आप इसको आसानी से डिवाइड कर दीजिए, अगर 30,000 3 साल का हो रहा है तो 1 साल का डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ 10,000। राइट, तो ये 10,000 जो आपकी वैल्यू आई है ये 1 साल की होगी, तो मतलब बाकी का क्या होगा, वो हो जाएगा प्रीपेड, क्या हो जाएगा वो प्रीपेड हो जाएगा। तो दिस इज वॉट हिडन एडजस्टमेंट, इसको ध्यान में रखना है आपको। बैड डेट्स, और ये आएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है। कौन सी वाली अमाउंट आएगी, जो इस साल के लिए यूज की जा रही है 10,000, बाकी के जो 20,000 होगी वो एसेट में चल जाएगा। बैड डेट्स,
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डिस्काउंट अलाउ, प्रॉफिट एंड लॉस आप अलाउ कर रहे हैं सामने वाले को डिस्काउंट, खर्चा के हिसाब से कैश इन हैंड एसेट हो गया, कैश एट बैंक एसेट हो गया, फिक्स डिपॉजिट एसेट हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में, देखिए पीयूष का अकाउंट, पीयूष का कैपिटल लायबिलिटी में लिख दो चुपचाप, अरुण का कैपिटल लायबिलिटी में लिख दो, संडी क्रेडिटर्स लायबिलिटी में लिख दो, इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट क्या हो गया ना आपको मिल गया है, मतलब एक हिसाब से इनकम है, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इनकम है आपके लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट हद से ज़्यादा पैसे निकल लिया, लायबिलिटी हो जाएगी। सेल्स ऑलवेज ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेज जैसे ट्रेडिंग के डेबिट में आता तो सेल्स ऑलवेज ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ये हो गई टीम आपकी सारी की सारी पोस्टिंग, इस पोस्टिंग के हिसाब से आप अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट में सारी चीज़ें पोस्ट करेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग के डेबिट में जो चीज़ें आई है वो वहाँ पर लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस में जो चीज़ें आ रही है वो वहाँ पर लिखेंगे, एसेट की चीज़ें एसेट में लिखेंगे, बैलेंस शीट की चीज़ बैलेंस शीट में लिखेंगे। ऑल राइट, बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें आ रही है जो जहाँ पर आती है रिस्पेक्टिव अकाउंट में आप उसको पोस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट पोस्टिंग। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द सम व्हाट एग्जैक्टली, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसके बाद एडजस्टमेंट को समझेंगे। देखिए एडजस्टमेंट की बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ मैं, कि सबसे पहले देखिए स्टॉक की बात कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी जो कम वाला रहता है वो वैल्यू लेते हैं हम लोग, तो कॉस्ट प्राइस इसकी 40,000 है बट मार्केट प्राइस इज 35,000, सो व्हाट वी विल बी कंसीडर, वी विल बी कंसीडरिंग 35,000। इसकी दो वैल्यू कहां पर आ जाएगी, देखिए एक वैल्यू आपकी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगी और दूसरी वैल्यू कहां पर आ जाएगी आपके एसेट में। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, देखिए इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल, स्टिल रिसीवेबल का मतलब अभी भी मिलने का बाकी है। तो अब आप इसको दो जगह पर लिखेंगे, सबसे पहले आप इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट, तो पहले फिक्स डिपॉजिट में इसको ऐड करेंगे, फिक्स डिपॉजिट कहाँ पर मिलेगा आपको एसेट में, एसेट में ये ऐड होगा और साथ साथ में इंटरेस्ट में ये ऐड होगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट आ जाएगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ऐड होगा, ध्यान में रखना प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ऐड होगा क्योंकि ये इनकम है वहाँ पर। RDD देखिए 2.5% और संडे डेटर्स, 2.5% RDD ऑन संडे डेटर्स, संडे डेटर्स के अमाउंट में आपको वैल्यू बता देता हूँ, उस वैल्यू के साथ में देखिए 2.5% और संडे डेटर्स, संडे डेटर्स की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। देखिए संडे डेटर्स, संडे डेटर्स की वैल्यू है 43,000, संडे डेटर्स की वैल्यू क्या है 43,000। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग ऑन दिस 43,000 पे, मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ संडे डेटर्स कितना हो जाएगा। नाउ 43,000 उस पर कितना बोला है 2.5%, सो 43,000 इंटू 2.5% दैट इज व्हाट 2.5 / 100। ऑलराइट, तो नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी कैंसिलिंग आउट दिस जीरो विद दिस जीरो, दिस जीरो विद दिस जीरो, नाउ यू विल मल्टीप्लाइंग, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल बी गेटिंग अ वैल्यू, सो वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दैट विल बी कंसीडर्ड एज न्यू RDD, दैट विल बी कंसीडर्ड एज न्यू RDD। ओके, न्यू RDD दो जगह पर जाती है, कहाँ कहाँ पर जाती है, एज पर द फॉर्मूला आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगी और दूसरा आपका एसेट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा आपका कहाँ पर आ जाएगा एसेट में आएगा। ऑल राइट, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है तो फर्नीचर जो भी वैल्यू रहेगी फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। ऑल राइट, देखिए फर्नीचर की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए फर्नीचर की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, सी दिस इज 20,200, सो 20,200 का 5% वी विल बी डेप्रिशिएटिंग, सो डेप्रिशिएशन मतलब उतनी वैल्यू उसकी माइनस हो जाएगी 20,200, वही सिंपल जितना परसेंटेज बोलेगा उतने मल्टीप्लाइड बाय 100 करने का, सिंपल आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना भी परसेंटेज बोलेगा उतना डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय इंटू डिवाइड बाय 100। ओके, ये देखिए 0,0 कट गया, दिस 0 कट गया ना, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे यू विल बी गेटिंग अ डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। राइट, 8,000 का गुड्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर दिया 6,000 का, तो बट ऑब्वियसली देखिए जब 8,000 का सामान पूरा जल गया है, ठीक है,
8,000 का सामान पूरा जल गया है, लेकिन इसमें से मेरे को इंश्योरेंस कंपनी 6,000 रुपये का क्लेम देने को तैयार है। 6,000 का अगर क्लेम दे रही है मतलब एग्जैक्टली नुकसान कितने का हो रहा है, ओनली 2,000, सिर्फ 2,000 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी तीन वैल्यू आएगी। ये 8,000 तो सबसे पहले आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में आप ले देंगे, ओके। और ये 6,000 का क्लेम मिल रहा है ना, क्लेम मिल रहा है तो ये आपका एसेट में आ जाएगा, ये क्लेम मिल रहा है। और ये 2,000 का एग्जैक्ट नुकसान है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एग्जैक्ट जो नुकसान है प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए टीम इसकी सारी एडजस्टमेंट हो जाती है। ये एडजस्टमेंट भी बहुत ही आसान है आपके समझने लायक, इससे पहले भी प्रीवियस सम में लगभग इसी तरीके की एडजस्टमेंट गई है। ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है, कैसे कैलकुलेट करना है मैंने प्रॉपरली आपको बता दिया है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे फाइनल वैल्यू, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो उसी तरीके से आपको इसकी देखिए एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बताया दो इफेक्ट आते हैं और इस बार जरूर दो इफेक्ट आते हैं। तो नाउ वी विल बी मूविंग फर्दर फॉर द क्वेश्चन कि आगे क्वेश्चन में क्या कैसे करना है। चलिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बता देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे बनाएंगे, द बुक ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट दिखा है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नेक्स्ट में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को आप समझ लीजिए, देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हो गया, ये होगा आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये अमाउंट, और एक ठीक है। अब नाउ देखिए अभी सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक है। सबसे पहले आप बिना सोचे बिना समझे आपको ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर जैसे दिया हो वैसे यहाँ पर आपने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट। ये देखिए परचेज का जो भी अमाउंट है आपने लिख दिया 80,000। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में जैसा आता है 7,500। कैरेज 3,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। रॉयल्टी ट्रेडिंग के डेबिट में आपने देखा था, फ्रेट ट्रेडिंग के डेबिट में ये आपका 700। अब आपकी सेल्स की वैल्यू, सेल्स 1,20,000 आपने लिख दिया। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000 जो भी मैंने आपको दिखाया है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पर आता है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में सबसे पहले। अब नाउ यू विल बी डूइंग, अब क्या करेंगे आप इन सारी वैल्यूज का आप ऐड कर देंगे। सो आफ्टर एडिंग दीज वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज का आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड कर दो आप इन सारी वैल्यूज को, राइट। सो आफ्टर एडिंग दीज वैल्यूज यू विल बी गेटिंग, सारी वैल्यूज को ऐड करने के बाद आपको मिल जाता है ये वैल्यू, दैट इज 1,63,000। अब 1,63,000 ये आपने यहाँ पर जो सारी वैल्यूज थी इसको भी सबको ऐड कर लिया। जब आप इन सब की वैल्यू को ऐड करते हैं तो आपको पता चलता है, इनको ऐड करने के बाद आपको पता चलता है कि ये जो वैल्यू है 1,60,000 इसकी क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो ज़्यादा है। तो आपने क्या किया सिंपली इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, तो ये सेम टू सेम वैल्यू आएगी 1,60,000। अब ये 1,60,000 के साथ में क्या हुआ देखिए, इसकी जो एडेड वैल्यू इसमें से इसको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही वाला खेला पुराना वाला खेला। ये जो एडेड वैल्यू है इसमें से इसको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, या आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन आ गया, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 38,500। इस तरीके से आपका ग्रॉस प्रॉफिट सम की पहली उपलब्धि हो गई आपकी। इस तरीके से आपका पहला तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा टीम। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने में बहुत ही आसान सा सम है, आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए जब ग्रॉस प्रॉफिट का जो ये वैल्यू आ जाता है तो हम लोग इसको सिंपली किस में करते हैं, ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ये डेबिट में है तो हम लोग रिस्पेक्टिवली क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट में है तो डेबिट में ट्रांसफर होगा। अब देखिए ये ट्रांसफर हो गई वैल्यू, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,500। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट का जो पैसा था वो 1,000 यहाँ पर, और इसमें जो इंटरेस्ट रिसीवेबल था ये जो एडजस्टमेंट थी उसको ऐड कर दिया है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल ये टोटल वैल्यू ऐड करके यहाँ पर लिख दिया है 2,200, राइट। अब देखिए यहाँ पर अब इसके डेबिट साइड में देखिए ये खर्चा है डिस्काउंट 1,800, 5,000 सैलरी, ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिस इज आल्सो एन एक्सपेंस, इसको भी लिख दिया आउटर कॉलम में, कुछ एडजस्टमेंट नहीं। देखिए बैड डेब्ट्स 500 का, बैड डेब्ट्स में अपने न्यू आरडीडी को ऐड कर दिया, ऐड न्यू आरडीडी,
ये 1075 डेटा स्पीजर ने आरडीटी कैलकुलेट किया था, वो टोटल अमाउंट 1575 लॉस बाय फायर एग्जैक्टली 2000 का ही नुकसान हुआ था क्योंकि 6000 का क्लेम मिल चुका था। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 1010 आ गई। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका 3450। एडवर्टाइजमेंट देखिए 30,000 का था, अब मैंने बोला था कि कंसीडर हम लोग सिर्फ एक साल का करेंगे तो जो दो साल का है विच विल बी ट्रांसफर टू द एसेट्स, सो दिस विल बी 10,000 एग्जैक्ट वैल्यू विल बी कंसीडर फॉर दिस ईयर। सो नाउ ये सारी वैल्यूज की क्रेडिट साइड की आपका करना है, जोड़ देना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू, दैट इज 40,700। नाउ अब इसके साथ साथ वही खेल आपके इसके साथ भी करना है, यार जितनी भी वैल्यू है आपको उसको क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन इस सारी की सारी वैल्यू आप जोड़ देंगे, जब आप जोड़ देंगे ये जोड़ने के बाद आपको एक पता चलता है कि ये जो वैल्यू है इसकी क्रेडिट साइड वाली ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो आपने क्या कर दिया, सिंपली इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। जब आप ट्रांसफ़र कर देते तो जो इसकी एडेड वैल्यू है इसमें से इसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ओके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो भी एडेड वैल्यू। जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाता है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो पीयूष और अरुण है इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये देखिए ये वैल्यू आती है जिसको हम लोग डिवाइड बाई टू कर लेंगे, पार्टनर का रेशियो तो दिया नहीं है, उसको हम लोग डिवाइड बाई टू करेंगे तो हम लोग को एक वैल्यू आती है 7,407.50। तो हम लोग इसके एक राउंडेड ऑफ वैल्यू 7408 7407 दोनों पार्टनर को ले लेते हैं। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी बैलेंस शीट, ये दोनों वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब बैलेंस शीट में इसके नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ इसको ऐड करेंगे और ड्राइंग इसमें से लेस होगा, ठीक है। आपको पता है कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ड्राइंग को लेस करते हैं, कभी भी जब आप फाइनल अकाउंट करेंगे कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ड्राइंग को लेस करेंगे। चलिए मैं आपको इसकी बैलेंस शीट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट में भी एकदम ये आसान सा, जितना आपने कैलकुलेट कर लिया आपको नेट प्रॉफिट आ गया, तो नेट प्रॉफिट आ गया तो आप इसको ट्रांसफ़र करना है। और फाइनली इसके आगे के हिस्से में देख लेते हैं, देखिए ये अब यहाँ पर हो जाएगा टैली आपका। समझिए कैसे टैली होगा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो थी आपने चुपचाप 25,000 का अमाउंट था लिख दिया था, इन्वेस्टमेंट आपका 15,000 लिख दिया था, फिक्स डिपॉजिट वॉज 15,000, उस पर आपका एड इंटरेस्ट रिसीवेबल का जो एड है वो एड हो गया, ये वैल्यू आ गई 16,200। नाउ फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जो होगा इसमें से लेस हो जाएगा, माइनस करेंगे हम लोग इसमें से, माइनस करने के बाद मुझे एक वैल्यू आ गई 1010 में से माइनस करने बाद एक वैल्यू आ गई 19,190। नाउ द संडे डेटा में से भी आरडीटी लेस हो जाएगा 2.5%, सो आई गॉट द वैल्यू 1075, ओके इसको माइनस करूँगा तो मुझे एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 41,925। इंश्योरेंस क्लेम की ये वैल्यू आ गई अपने 100। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जैसा था वैसे ही यहीं पर लिख दिया गया, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। कैश इन हैंड आपका एसेट था, कैश एट बैंक और क्लोजिंग स्टॉक जैसे कि रूल है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ पर भी लिखते हैं एसेट साइड। अब देखिए यहाँ पर जो पीयूष का कैपिटल था उसमें इसका नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने बोला था नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वैसे अरुण का कैपिटल था 80,000, उसमें भी इसके नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया, एडेड वैल्यू को हमने बाहर के कॉल में लिख दिया, दिस विल बी कमिंग। सो ये और ये 87,487 दो वैल्यूज आ गई। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो था वैल्यू वैसे ही लिख दिया हमने बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ यू विल बी टोटलाइजिंग द ओवरऑल एसेट की टोटल वैल्यू आप निकालेंगे, तो आपको जब टोटल वैल्यू आएगी एसेट की तो अपना आपने ऐड किया तो इट विल बी कमिंग 205,315। एंड सिमिलरली यू विल बी टोटलाइजिंग द वैल्यू ऑफ टू लाइब्रेरी, सो यू विल बी गेटिंग 205,315। तो इस तरीके से आपका सम यहाँ पर टैली हो जाता है। यहाँ पर आपको सम की सबसे बड़ी उपलब्धि इस वीडियो में मैंने इस सम प्रैक्टिकल को मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको इसको समझने में आसानी मिलेगी। इस तरीके की आगे की भी प्रैक्टिकल की वीडियो आपको मिलती रहेगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैं और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा आपके लिए, बैक टू बैक आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को प्यार दीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।